एंड गीता फ्रॉम पॉलीसिस्टम। लास्ट लेक्चर में मैंने थ्री फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया था और आज हम जो हमारी जो तीन फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आज जो फंडामेंटल राइट हम पढ़ेंगे वो है फोर्थ फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन जो हम फंडामेंटल राइट को स्टडी करते हैं, इसे हम स्टडी करते हैं आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक। तो आर्टिकल 25 हमारा कहता है कि वी हैव द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन। मींस हम हिंदुइज्म को बिलोंग करते हैं या मुस्लिम या कोई भी रिलीजन को, हमें पूरा हक है कि हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं इन एनी फॉर्म। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल नंबर 26 कहता है हमारा राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। इसका मतलब ये है अगर मैं कोई प्रॉपर्टी को ओन करना चाहती हूँ या उस पर कोई टेम्पल या कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाना चाहती हूँ तो मुझे पूरा फ्रीडम है कि मैं ये कर सकती हूँ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 27। अब आर्टिकल नंबर 27 हमें बात करता है टैक्सेस के बारे में। दैट मीन्स कि अगर मैं हिंदुइज्म को बिलोंग करती हूँ या बुद्धिज्म को, किसी भी रिलीजन को, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने रिलीजन के प्रमोशन के लिए टैक्सेस पे कर सकती हूँ। But you cannot force or you cannot compel anybody to pay the taxes. वो उसकी मर्जी है कि वो tax pay करे या ना करे। Let's move on to the next article, that is article number 28। ये बात करते हैं हमारा worship and attendance के बारे में। इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी religious institution में जाती हूँ, for example किसी Christian missionary में गई हूँ और वहाँ पर prayers होती हैं, तो वो मेरी right है कि अगर मैं उसे अटेंड करूँ या ना करूँ, बट नोबडी कैन फोर्स मी टू अटेंड दी वर्शिप। जो उसमें वहाँ पर मीटिंग्स हो रही हैं, रिलीजियस मीटिंग्स हो रही हैं, वो मेरी अपनी विल है कि मैं उस पर अटेंड करूँ या ना करूँ, बट नोबडी कैन फोर्स मी कि मैं वहाँ पे प्रेजेंट होना मुझे मैंडेटरी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट राइट, दैट इज राइट, दैट इज द राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इस राइट को हम स्टडी करते हैं आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 में। अब इस राइट पे बेसिकली हम फोकस करते हैं हमारे माइनॉरिटी सेक्शन को। अब माइनॉरिटीज कौन सी है, हिंदूज को छोड़ दिया, इंडिया में सभी मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, जैन्स, राष्ट्रिज्म, पारसीज, ये सब हमारे माइनॉरिटी सेक्शन में आते हैं। तो हमारा आर्टिकल नंबर 29 जो बात करता है वो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी। मीन्स अगर कोई मुस्लिम या कोई पारसी वो अपनी लैंग्वेज को या अपनी स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उनको पूरा राइट है कि वो ऐसा कर सकते हैं। अब हम आरम्भ करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पर, दैट इज आर्टिकल नंबर 30। अब आर्टिकल नंबर 30 हमारा बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये है कि वो चाहे तो अपने रिलीजन बेस जैसे कि मदरसास, कोई भी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मतलब कि कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम क्या है, अगर मान लो कि वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया तो मुझे डिनाई नहीं कर सकता उसमें एडमिशन के लिए। हाँ, लेकिन ये उनका राइट है कि वो अपने कल्चरल और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब तक हमने पढ़ी है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एजुकेशनल राइट। अब तक हम पढ़ चुके हैं हमारे जितने आर्टिकल 25 से लेकर 30 आर्टिकल पढ़ चुके हैं। अब हम मूव करते हैं आर्टिकल नंबर 31। अब आर्टिकल नंबर 31 मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि ये एक जो राइट थी जिसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी, बट नाउ दिस हैज बीन बायफर्केटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन और अब ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और एक लीगल राइट बन चुकी है। ये पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही है और ये हमारे आर्टिकल नंबर 300A में हमें मिलता है, जो कि अब एक लीगल राइट है, जो कि ना कि अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है। Let's move on to the next right, that is right to constitutional remedies. ये है हमारा आर्टिकल नंबर 32। इसे हिंदी में कहें तो हम संवैधानिक उपचार, मीन्स अगर जितनी भी राइट्स मैंने आपको अभी तक पढ़ाई है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट, अगर इनमें से किसी भी राइट का वायलेशन होता है तो वी कैन सीक द कोर्ट, मीन्स हम कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन बात ये है कि हाँ, सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक सिटीजन है, मैं आप सिर्फ हमारी बात सुनेगा किस मैटर में, अगर हमारी किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, अगर कोई सिविल केस है हमारा, तो उसको लेकर
फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हुआ है तो आई कैन टेक द हेल्प ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. और जो सुप्रीम कोर्ट है ये कुछ रिट्स इशू करता है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी. लेकिन हाँ, एक आर्टिकल नंबर 32 इसे बी आर अम्बेडकर जो हमारे जिन्होंने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया उन्होंने इस आर्टिकल को बोला कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. क्यों? क्योंकि ये हमारे सारे राइट्स को कंजर्व प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट लेक्चर में वी डिस्कस दी राइट्स जो हमारी राइट्स हैं जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है जब किसी भी सिटीजन की फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है. आई होप मैंने आपको सारे की सारी फंडामेंटल राइट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली समझाया. जो हमारे टोटल 6 राइट्स हैं ये हमें कहाँ मिलती हैं या हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हम देखते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं. और ये हमने यूएसए से अडॉप्ट किया. फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन के बारे में बताया. होप आपको लेक्चर पूरा समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच. लाइक, शेयर एंड कॉमेंट.